नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। शिरडीपुरम में भागवत कथा का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया है निगम परिवार की ओर से, और इंदौर के पंडित नारायण शास्त्री जी द्वारा के मुखारविंद से ये भगवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया गया था, जो सफलता पूर्वक 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये आज भंडारा है और आज इसका संपूर्ण विश्राम हो गया है। कथा करवाने का उद्देश्य कुछ विशेष ऐसा विशेष तो बस धर्मार्थ अपने पितरों को के तर्पण के लिए हमने भागवत कथा का आयोजन किया है और सारे शिरडीपुरम वासी नहीं और कोलार वासियों ने सब ने इस भागवत कथा का बहुत अच्छे से श्रवण किया। सभी लोगों ने धर्म का लाभ लिया है और पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा कही है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मतलब इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि बहुत अच्छा आयोजन। भागवत हमने पहली बार कराई जिंदगी में, पता नहीं कब मौका मिले, बाकी कराई थी, आगे कराने की इच्छा तो है ही, लेकिन भगवत इच्छा है वो जो हो जाएगी। बाकी हमारे परमार्थ किरण सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हूँ मैं, उसकी कोषाध्यक्ष हूँ, उस वो हम अपनी हर साल आयोजन करवाते हैं। कितने लोगों की उपस्थिति रही इसमें? हाँ, कम से कम 500 से ऊपर ही आदमी रहा है रोज। हमारे छोटे से आयोजन में इतने आदमियों का होना हमको बहुत खुशी दे गया। सनातन धर्म के विषय में क्या? सनातन धर्म तो अपना धर्म ही है भाई साहब, सनातन धर्म तो बहुत पुरातन वो है और सनातन सबको, सनातन धर्मियों को अपनी अपनी धर्म का पालन करना चाहिए, लोग जुड़े धर्म के प्रति। बिल्कुल जुड़े, इसीलिए तो आयोजन करते हैं ऐसे। जी हाँ, संदेश हमारी तरफ से यही है कि अपने धर्म से जुड़े और सभी लोग अपने हिंदुत्व का पालन करें, बस यही एक अपेक्षा है लोगों से और इसी वजह से ये ऐसे आयोजन कराते हैं हम, ताकि सभी हिंदू अपने धर्म के बारे में जाने और जो महाराज जी लोग बताते हैं उन चीजों का पालन करें। क्या मुख्य आयोजन रहे पिछले दिनों में? देखिए, पिछले दिनों में हमने जो भागवत कथा का आयोजन किया तो 8 तारीख से हमने एक कलश यात्रा निकाली, इसमें सभी शिरडीपुरम और हमारे रिश्तेदार सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक चल समारोह निकला जिसमें सारे लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया और उस कलश यात्रा की झांकी अलौकिक झांकी थी, देखते ही बनती थी। संगीतमय झांकी के साथ में हम इस मंडप पर आए और स्थापित किया श्रीमद् भगवद गीता को, व्यासपीठ को स्थापित किया। उसके तदुपरांत अगले दिन हमने 9 तारीख को एक आयोजन किया, शिव विवाह का आयोजन किया जिसमें अलौकिक झांकी बनी और शिव विवाह में आप उस झांकी का यहाँ पे जो संचालन हुआ उसे देखकर एक अभूतपूर्व ही महिमा मंडम हुआ और उसको देखकर सारे दर्शक सारे श्रोता इतने आत्मविभोर हो गए कि अलग ही माहौल था। उसके बाद फिर हम तदुपरांत हमने वामन अवतार में हमने अपने ही कॉलोनी के एक बच्चे को वामन अवतार का झांकी प्रस्तुत किया, जो सजीव वामन अवतार का प्रतिरूप दर्शित हो रहा था जिसको देखकर सारे लोग आत्मविभोर हो गए। उसके बाद फिर हमने कृष्ण जन्म का महोत्सव मनाया जिसमें सभी ने भाग लिया, रास रंग हुआ, सभी दर्शकों ने सभी श्रोताओं ने अच्छे से भाग लिया और पंडित जी ने उसका उल्लेख इतने अपने मुखारविंद से इतने उच्च तरीके से किया कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध थे, कोई भी श्रोता अपनी जगह छोड़ने तैयार नहीं। और उसके बाद फिर हमने कृष्ण बाल लीला, गोवर्धन लीला, इन 56 भोग का हमने यहाँ आयोजन किया। तदुपरांत हमने अगले दिन यहाँ पर रुक्मणी विवाह का एक भव्य झांकी प्रस्तुत की, कृष्ण रुक्मणी विवाह की, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसके बाद फिर अगले दिन सुदामा चरित्र के साथ में एक करुण और बहुत ही मार्मिक दर्शनीय उसके उद्देश्य के साथ में एक सुदामा चरित्र का उल्लेख किया पंडित जी ने अपने मुखारविंद से और सभी एकदम मार्मिक तरीके से भाव विभोर होकर उसको आनंदित हुए और सबने उसका लाभ लिया। तो हमने आखिरी दिन सुदामा और कृष्ण जी की सजीव झांकी प्रस्तुत की और सभी ने उसका आनंद लिया और उसके बाद फिर पंडित जी ने व्यासपीठ से भागवत का समापन का संदेश दिया और सभी हिंदू जनों को संदेश दिया, सभी सनातनियों को संदेश दिया कि हिंदुत्व का पालन करें, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए हर वो कदम उठाएं जो हमें भगवान राम और सनातन से हमें जो मिले हैं, जो उद्देश्य हमें मिले हैं, उन सभी का पालन करें। और आज पूर्णाहुति हमने घर में पूर्णाहुति हुई और हमने आज व्यासपीठ का भी विदाई समारोह किया। सबकी आंखें बिल्कुल भाव भी नहीं हो गई क्योंकि इतने दिनों में जो हमारा लगाव हो गया था, ऐसे माहौल ऐसा चल रहा था कि हम किसी
ऐसा लग रहा था किसी तीर्थ में बैठे हैं और उसी तीर्थ का आनंद दे रहे हैं सारे श्रोता और सारे हमारे नाते रिश्तेदार और शिरडीपुरम और कोलारवासी, और सभी ने हमें इस आयोजन में जो भी सहयोग दिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन सभी को आभार वंदन करता हूँ।